गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुपमा उज्जवल, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज सिरोही। आज हम LLB फाइनल ईयर सब्जेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ देखेंगे। उसमें जो टॉपिक हमारा नेचुरल जस्टिस, पहले ही हम देख चुके हैं नेचुरल जस्टिस का, आज पार्ट सेकंड देखेंगे। नेचुरल जस्टिस में अभी तक हमने जो देखा था, नेचुरल जस्टिस की हमने डेफिनेशंस देखी थी, उसकी इम्पोर्टेंस हमने देखी थी। आज हम देखेंगे उसकी थ्योरीज और उसके एक्सेप्शंस। थ्योरीज या रूल्स ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस नेचुरल जस्टिस हम देखेंगे। उसमें फर्स्ट है नॉमो डेबिट एसी जेडिक्स इन प्रोप्रिया कॉज, नो वन शुड बी जज इन हिज ओन केस। नैसर्गिक न्याय का प्रमुख सिद्धांत या नियम का पहली जो चीज है वो है कोई अभिनीति के विरुद्ध, अर्थात स्वयं के मामले में कोई भी व्यक्ति निर्णायक नहीं हो सकता है। एंड सेकंड है ऑडी ऑल्टरन पैटर्न, लिसन टू द अदर पर्सन साइड एज वेल, बोथ पार्टी शुड बी हेयर्ड इक्वली। दूसरे पक्ष को भी सुने, अर्थात सुने जाने का अधिकार, किसी को भी बिना सुने दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। अभिनीति या पक्षपात के विरुद्ध जो नियम है उसका तात्पर्य यह है कि जब भी किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी भी प्रकार का कोई भी एलिगेशन लगाया जाता है तो ऐसी स्थिति में केवल मात्र एलिगेशन लगाने मात्र से ही वह दोषी नहीं माना जाएगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसके विरुद्ध जो भी एलिगेशन लगाया गया है उसकी जाँच होनी चाहिए और यह देखा जाना चाहिए कि उस व्यक्ति के विरुद्ध जो एलिगेशन लगाया गया है वह सही है या नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो जांच करने वाला अधिकारी है उसका उस मामले में किसी प्रकार का हित नहीं होना चाहिए। अगर उस मामले में उसका किसी भी प्रकार का कोई भी हित होगा तो ऐसी स्थिति में वह निष्पक्ष न्याय नहीं कर सकता है। इसलिए यह कहा जाता है कि नो वन शुड बी अ जज इन हिज ओन केस। अगर उसका खुद का अपना उस मामले में हित है तो वह स्वयं अपने पक्ष में ही निर्णय देगा, निष्पक्ष निर्णय नहीं देगा। इसलिए कहा जा सकता है कि ऐसा व्यक्ति जिसका किसी भी मामले में किसी भी प्रकार का कोई भी हित है वह उस मामले की जांच नहीं कर सकता है, निर्णय नहीं कर सकता है। सेकंड है आपका लिसन टू द अदर पर्सन, सुने जाने का अधिकार। अगर किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध किसी भी प्रकार का कोई भी एलिगेशन लगाया जाता है तो ऐसी स्थिति में केवल एलिगेशन लगाने के मात्र से या केवल उसके जांच करने मात्र से उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। उसके लिए ज़रूरी है कि उस पक्षकार को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना चाहिए। वह अपने पक्ष में अपने एडवोकेट को अपॉइंट कर सकता है या वह स्वयं अपने पक्ष को अपने प्रस्तुत करने का अधिकारी माना जाएगा। उसके द्वारा जो भी पक्ष प्रस्तुत किया जाता है या जिस प्रकार के भी गवाह या दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं उनको आपको एग्जामिन करके ही यह निर्धारित करना होगा कि उसके विरुद्ध जो एलिगेशन लगाए गए हैं वह सही है या गलत है। उसके पक्ष को सुने बिना अगर उसके विरुद्ध कोई भी निर्णय किया जाता है तो यह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत की अवहेलना मानी जाती है। ये दोनों सिद्धांत हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया है कि ये सिद्धांत क्या होते हैं। सेकंड जो केस है वो है आपका रिच वर्सेस बॉल्डविन, रिच वर्सेस बॉल्डविन 1964। दिस केस रिलेटेड टू रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस। अकॉर्डिंग टू दिस नो वन शुड बी अ जज इन हिज ओन केस। द बेसिस प्रिपरेशन बिहाइंड दिस इज जस्टिस शुड नॉट ओनली बी सीन बट इट शुड बी डन एंड डिलीवर्ड एक्चुअली। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर शुड बी फेयर जस्ट एंड रीजनेबल फ्रॉम थॉट वे आर डूइंग जुडिशियल वर्क। प्रिसीडिंग ऑफिसर मस्ट बी फ्री फ्रॉम प्री जुडिस एंड प्री कंसेप्शंस। एंड फिर है इंटरेस्टेड पर्सन शुड नॉट बी गेट इन्वॉल्व इन द मैटर डिसीजन मेकिंग। तो इस मामले में एक बहुत ही अच्छा निर्णय किया गया है जिसमें नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों से संबंधित है। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति मामले में निर्णायक नहीं हो सकता है। इसके पीछे मूल धारणा यह रही है, पहला यह है कि न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए अपितु दिखना भी चाहिए। पहला ये कहता है कि अगर किसी भी पक्षकार के विरुद्ध किसी भी प्रकार का एलिगेशन लगाया जाता है और उसके पश्चात उसके विरुद्ध किसी भी प्रकार का कोई भी जजमेंट किया जाता है तो उसे भी यह लगना चाहिए कि उसके साथ न्याय हुआ है, उसके पक्ष को सुना गया है। अगर
उसको यह भय उत्पन्न हो, उसको अगर यह लगता है कि जांच अधिकारी का उस मामले में किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट है या उसका उसके अंदर किसी भी प्रकार का इन्वॉल्वमेंट है, तो ऐसी स्थिति में उसके मन में यह भय उत्पन्न हो जाएगा। भले ही वह कितना ही निष्पक्ष निर्णय करता है, परंतु फिर भी उसके मन में यह होगा कि उसके द्वारा जो निर्णय किया गया है वह भेदभावपूर्ण है। तो इसीलिए केवल न्याय होना ही नहीं चाहिए बल्कि यह दिखना भी चाहिए कि न्याय हुआ है। दूसरा है, प्रशासनिक अधिकारियों को न्यायिक कार्य करते वक्त निष्पक्ष और पक्षपात रहित होना चाहिए। जो भी प्रशासनिक प्राधिकारी है, जिस वक्त वह न्यायिक प्रकृति का कार्य कर रहे होते हैं, उस वक्त वह निष्पक्ष होना चाहिए और उसमें किसी भी प्रकार का पक्ष रहित होना चाहिए। फिर है, पीठासीन अधिकारी को किसी भी प्रतिकूल प्रभाव एवं पूर्वाग्रह से मुक्त होना चाहिए। जो भी न्यायिक प्रकृति का कार्य कर रहा है, उसका जो प्रोसीडिंग या पीठासीन अधिकारी है, वह किसी भी प्रकार के प्रतिकूल प्रभाव से या पूर्वाग्रह से मुक्त होना चाहिए। उसका पहले से ही विचार डिसाइड नहीं होना चाहिए कि उसे क्या करना है। फिर है, इंटरेस्टेड पर्सन शुड नॉट गेट इन्वॉल्व इन द मैटर। हितबद्ध व्यक्ति को निर्णायक कार्य नहीं होना चाहिए। जिसका इस मैटर में किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट है, चाहे धन संबंधी है, चाहे तथ्य संबंधी है, चाहे किसी अन्य से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी इंटरेस्ट है, तो वह उस मामले का निर्णय नहीं कर सकता है। अब दूसरा है, सिचुएशन व्हेन रूल ऑफ जस्टिस डस नॉट अप्लाई। ऐसी कुछ परिस्थितियां हैं जब नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना अनिवार्य नहीं होता है या पालन नहीं किया जा सकता है। यह इसके अपवाद माने जाते हैं। फर्स्ट है, जनरल रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस अप्लाई टू ऑल द दोस मैटर्स इन विच एनी पर्सन्स सिविल राइट्स आर इफेक्टेड बाई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस, बट फॉलोइंग आर एक्सेप्शंस। सामान्यतः नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत उन सभी मामलों में लागू होते हैं जिनमें किसी व्यक्ति के सिविल अधिकार किसी प्रशासनिक कार्रवाई से प्रभावित होते हैं, परंतु इस कार्रवाई के कुछ अपवाद माने जाते हैं। पहला अपवाद जो है, स्टेटूरी एक्सक्लूसन, विधायी कृत्य में अपवर्जन है। सबसे पहला, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना, विधायी प्रकृति के जो कार्य हैं उसमें उनका पालन करना जरूरी नहीं माना जाता है। फिर है, लेजिस्लेटिव फंक्शन आपात विधायी कृत्यों में इसका अपवर्जन माना जाता है। फिर है आपका इमरजेंसी प्रोविजंस, आपात में अपवर्जन। जब हमारे यहाँ पर किसी प्रकार की इमरजेंसी या अन्य प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न है और इस समय अगर किसी भी प्रकार की कोई भी कार्रवाई करनी है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना जरूरी नहीं माना जाता है। जैसे अगर इमरजेंसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई है, इमरजेंसी प्रोविजंस हो गई है, उस दौरान अगर देश की सुरक्षा के लिए, आंतरिक शांति के लिए, गृह युद्ध को समाप्त करने के लिए अगर किसी भी व्यक्ति को निरुद्ध किया जाता है, पकड़ा जाता है या उनके विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्रवाई की जाती है, तो वहाँ पर सुने जाने का अधिकार हम उसे देने की जरूरत नहीं है। फिर है, पब्लिक इंटरेस्ट लोक हित में अपवर्जन। अगर इस प्रकार का कोई भी लोक हित से संबंधित कोई भी मामला है, तो उसमें भी इस प्रकार के कार्रवाई की पालना करने की जरूरत नहीं है। समझ लीजिए, जहाँ पर किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो गई है, आग लग गई है, और उस दुर्घटना के बचाव के लिए या उस आग को रोकने के लिए हमें किसी भी पब्लिक दूसरे की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना पड़ता है, दूसरे की प्रॉपर्टी को किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करना पड़ता है, उसमें प्रवेश करना पड़ता है, तो पब्लिक इंटरेस्ट को देखते हुए हमें नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों की पालना करना जरूरी नहीं माना जाता है। फिर है, अव्यवहारिक में अपवर्जन। जब भी अव्यवहारिक प्रकृति का कोई भी कार्य किया जाता है, तो उसमें भी नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों की पालना करना अनिवार्य नहीं माना जाता है। फिर है, शैक्षणिक मूल्यांकन में अपवर्जन, एकेडमिक इवोल्यूशन। जब भी किसी एग्ज़ाम में किसी भी परीक्षार्थी का इवोल्यूशन किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसे कारण नहीं बताया जाता है इवोल्यूशन का। उसमें उसके द्वारा जो भी निर्णय किया जाता है इवोल्यूशन कमेटी के द्वारा, वह अंतिम माना जाता है। फिर है, अंतरिम अनुशासनात्मक कार्रवाई में अपवर्जन, इंटरिम डिसिप्लिनरी एक्शन।
अगर किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध किसी भी अनुशासनात्मक कार्रवाई में किसी भी प्रकार का कोई भी निर्णय किया गया है, उसके अगेंस्ट कोई भी कार्य किया गया है, तो ऐसी स्थिति में भी नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना अनिवार्य नहीं माना जाता है। एंड लास्ट है आपका संविधानिक प्रतिपादन से अपवर्जन, जो मैंने फर्स्ट आपका बताया था स्टेट्यूटरी, उसमें भी नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना अनिवार्य नहीं माना जाता है। ये कुछ एक्सेप्शंस है जिसमें नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों की पालना करने की आवश्यकता नहीं है। अगर नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों की पालना नहीं भी की जाती है, तब भी उनके द्वारा किया गया कार्य जो है वह लीगल ही माना जाएगा, उसमें किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं किया जाए। इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे वह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत को हम डिटेल में देखेंगे, क्योंकि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों पर भी सेपरेट क्वेश्चन आता है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वह भी इम्पॉर्टेंट माना जाता है। तो दोनों जो रूल्स हैं या दोनों जो थ्योरीज हैं वह हम डिटेल में अलग से वीडियो में करेंगे। थैंक्स।